मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 27 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 10 सितंबर 2021 के लिए है। आजकल हमारा टॉपिक है समरूप त्रिभुज, जिसमें आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास समकोण त्रिभुज दिया लिया गया है, दिया है, ये इसको कथन भी कहते हैं। तो ये प्रूफ किया है, दिया है जो एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे बी पे समकोण है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी समकोण है। हमें सिद्ध क्या करना है, जो कर्ण क्या है, ए सी सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे लंबी भुजा यहाँ पे कर्ण है, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यही प्रूफ करना है हमें। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है जिससे आप उसको आसानी से प्रूफ कर सके। तो मॉडिफिकेशन क्या है, अब हम रचना करते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, बी डी लंब की रचना कीजिए जो ए सी को डी बिंदु पर मिले। अब हम त्रिभुज लेते हैं, बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी और एक छोटे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी, पहले छोटे वाला और बड़े वाले की तुलना करते हैं। तो छोटे वाले में देखिए बी ए सी और सी ए बी, ये दोनों में कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज में भी और छोटे वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ। साथ ही यहाँ पे 90 डिग्री है छोटे वाले में और इस पे बड़े वाले में ये 90 डिग्री है, तो ए डी बी बराबर में ए बी सी दोनों 90 डिग्री है। तो ए ए समरूपता से ये छोटे वाला और बड़े वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के, ए ए समरूपता से। तब हमें क्या करना है, अब समरूप त्रिभुज हो गया तो क्या है, उसका भुजाओं का अनुपात भी समान अनुपात में होगा। यानी अब हम क्या करें, बड़े का, बड़े वाले त्रिभुज का एक भुजा मतलब कर्ण ले लेते हैं, और पहले छोटे वाले का कर्ण तो ए बी हो गया और बड़े वाले का कर्ण ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, अब हमें ज़रूरत किस किस साइड की है वो देखिए। हमें ज़रूरत जो है, अब इसमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं तो ये हम लेंगे नहीं, तो इसकी एक भुजा मतलब इसमें ए डी अपॉन में बड़े वाले का ए डी और बड़े वाले का ये भुजा जिस पे परपेंडिकुलर टिका है, ए डी अपॉन में ए बी, तो इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ये हो गया समरूप त्रिभुज की। अब उसी प्रकार अब छोटे वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की तुलना करते उसी प्रकार, तो वो भी समरूप हो जाएगा जैसे ये आया है। तो उसमें भी हम छोटे वाले में और बड़े वाले के जो अभी तुलना करें बी डी सी और ए बी सी में, तो इसका कर्ण छोटे वाले का कर्ण ये हो जाएगा ए बी सी और अपॉन में ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी, इसकी एक भुजा बी सी है और इसकी भुजा डी सी है, तो डी सी अपॉन में बी सी या डी सी डी अपॉन में बी सी, इसको भी जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बी सी स्क्वायर इजकल टू सी डी इंटू ए सी। अब दोनों को जोड़ें, जोड़ने पे हमारे पास आता है ए बी सी का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए डी, ए डी इंटू ए सी और ए सी डी इंटू ए सी, तो ए सी ए सी कॉमन आ गया तो ए डी प्लस सी डी, और यही जोड़ मिल करके ए सी बनता है। तो आपके पास हो गया ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है,
अब हमारे पास इसका वो कहता है, पाइथागोरस का प्रतिलोम कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण, यानी किसी एक भुजा का वर्ग बाकी दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अब इस बार ये चैप्टर प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो कि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं, तो कंपिटेंसी बेस्ड यानी उस पे आधारित सवाल को आपको बनाना है, एप्लीकेशन कर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई और परिमाप ज्ञात कीजिए, जब उसके विकर्ण की लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है जो कि ये एक एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा ए ए ए होता है, तो विकर्ण क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय हो गया यहाँ पे, ये समकोण त्रिभुज है, तो वो हो जाएगा √2, यहाँ पे ए बी स्क्वायर नाम दे देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये बी डी है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में 10 का ए स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 50, तो ए की वैल्यू हो गया 50, √50, जिसको हम सॉल्व करके निकालेंगे 5√2 सेंटीमीटर। तो ये एक वर्ग की लंबाई निकल गई, एक भुजा की लंबाई। अब कह रहा है परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 गुने भुजा यानी 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, आपके पास दिया हुआ है, दी गई आकृति में ये 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि, और ये भी परपेंडिकुलर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बी सी स्क्वायर अपन में ए सी स्क्वायर बराबर में बी डी इंटू ए डी। तो यहाँ पे चलते हैं, ये बनाया गया है, पहले त्रिभुज ये छोटे वाले और बड़े वाले यानी ए सी डी, ए सी डी और ये वाला त्रिभुज और पूरे त्रिभुज, इसके समरूपता को सिद्ध किया। यहाँ भी एक उभयनिष्ठ कोण है, ये कोण उभयनिष्ठ है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये ए समरूपता से प्रूफ हो जाएगा। तो हमें जो साइड की बात करनी है, बी सी ए सी ए, तो पहले देखिए ए डी लेना है, और इसका लंब क्या हो जाएगा, इस पे लंब हो जाएगा ए, ये मतलब एक हो जाए, ए डी अपॉन में ए सी और बराबर में ए सी इसका इसका विकर्ण अपॉन में इसका विकर्ण, ए सी अपॉन में ए बी बराबर में ए डी अपॉन में ए सी, जिसको सॉल्व करके हुआ ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी इंटू ए डी। अब उसी प्रकार ये छोटे ये वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज सर्वांग मतलब समरूप हो गया ए समरूपता से, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए इसका विकर्ण, इस छोटे वाले का विकर्ण क्या है, ये है ए बी, और इसका विकर्ण क्या है, ए सी। तो इसका विकर्ण ये है बी सी अपॉन में ये ए बी, तो बी सी अपॉन में ए बी इजकल टू इसकी जो एक भुजा है बी डी यानी बी डी, और इसकी एक छोटी भुजा है इसमें हम तुलना करेंगे, ये बी सी बी डी अपॉन में बी सी, तो इसको सॉल्व करने के बाद हुआ बी सी स्क्वायर बराबर में बी ए इंटू बी डी या ए बी इंटू ए, एक दूसरे को भाग देंगे, हमें इस पोजीशन में लाना एल एच एस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, तो यानी अब ये पोजीशन है ये अपॉन ये, तो इसमें ए बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, यही प्रूफ करना है। अब इसी के आधार पर आपको हमेशा की तरह सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, स्वयं प्रयास कीजिए। एक
13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकने पर भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से आधार के सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालिए। इंग्लिश में उल्टा पूछा है, हिंदी में उल्टा पूछा है। इंग्लिश में कह रहा है जो कि अब यहाँ पे देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए यहाँ पे सवाल बनाने हैं। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, और भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। इंग्लिश में ये वाला दिया हुआ है, उल्टा पूछ रहा है। तो अब कह रहा है खिड़की आधार से यानी ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इजकल टू 13 का स्क्वायर। x² बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा करके 25 आया। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू √25 यानी 5, तो ये मीटर में है तो 5 मीटर, x की वैल्यू 5 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 8 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप एक वर्ग है, ये सारी भुजा 8 8 8 8 दिया हो, तो आपको पता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए समकोण त्रिभुज हो गया, नाम देना चाहें ABCD, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² इजकल टू AC² पाइथागोरस से। तो ये सारी भुजा दिया हुआ है यहाँ पे 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजकल टू AC², तो ये 128 हो जाएगा, 64 प्लस 64 बराबर में AC². जब इसको अंडर रूट करेंगे तो AC इजकल टू √128, तो बराबर में हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी विकर्ण हो गई। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एक एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सी पे समकोण है, तो यहाँ पे सी और बी, तो ये और ये बराबर दिया हुआ है, तो यानी AC इजकल टू BC दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस AB² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AC² प्लस BC². अब AC और BC बराबर है, तो लिख सकते हैं AC² प्लस AC² क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ पे ये AB है क्योंकि ये बड़ी भुजा है, इसमें विकर्ण ये है, तो AB² इजकल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस AC² तो यानी 2AC², यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।